हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। तो आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटपटा सा स्नैक्स बताने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें हम लोग ने जो घर में अवेलेबल चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया, क्योंकि इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा दिक्कत उसी की होती है कि हम लोग कोई भी स्नैक्स बनाएंगे तो उसमें हम लोग क्या डालें और क्या नहीं डालें। तो चलिए देखते हैं कि ये चटपटा सा क्रिस्पी सा स्नैक्स हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले लेंगे एक बाउल, उसमें हम लोग लेंगे आधा कप सूजी। ये सूजी हम लोग किसी भी कटोरी के नाप से ले सकते हैं। तो जितना हम लोग सूजी लेंगे उतना ही हमको इसमें बेसन लेना है और इसका हमको एक घोल बना के तैयार करना है। तो इसमें हम लोग थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी डाल के हम लोग एक स्मूथ सा इसका बैटर बना के तैयार कर लेते हैं। पानी थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में इसलिए डालेंगे ताकि जो बैटर है उसमें बिल्कुल भी गांठ नहीं पड़े। अगर सारा पानी एक साथ डाल देंगे तो उसको मिक्स करने में दिक्कत होगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के एक लम्प फ्री बैटर बना के तैयार कर लेते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग पानी है वो हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कप पूरा और उसके साथ 3/4 कप और पानी का इस्तेमाल किया है इस बैटर को बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि क्या इसकी कंसिस्टेंसी है। तो इस कंसिस्टेंसी का हमको ये बैटर चाहिए है। तो अब इसको हम लोग साइड में रख देते हैं और टिक्की बनाने की हम लोग तैयारी करते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई में हम लोग लेंगे थोड़ा सा तेल और जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम लोग उसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा लहसुन को कूट लिया है, उसी तरह से अदरक को भी हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों को इसमें डाल के हम लोग इसको थोड़ा सा भून लेते हैं और इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे बिल्कुल थोड़े से अमाउंट में हल्दी पाउडर, इसको भी डाल के इसमें हम लोग मिक्स कर देते हैं। और इसके बाद जो हम लोगों ने ये बैटर बेसन और सूजी का बैटर बनाया था उसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पे जो हमको गैस की फ्लेम है वो हमको मीडियम रखनी है, हम लोग इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसको हमको कंटिन्यूस चलाना है, क्योंकि सूजी और बेसन दोनों की प्रॉपर्टी गाढ़ा होने की होती है। तो बहुत जल्दी ये गाढ़ा हो जाएगा और हम लोग अगर कंटिन्यूस नहीं चलाएंगे तो उसमें हमारे लम्प्स भी पड़ सकते हैं। इसलिए वो मीडियम फ्लेम पे इसको हमको कंटिन्यूस चला के एक डो फॉर्म में इसको तैयार करना है। तो आप देख रहे हैं कि पूरा पानी इसका सूख गया है, ये अब डो फॉर्म में लगभग तैयार हो गया। तो यहाँ पे हम लोग इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से जो ये डो हम बना रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से फॉर्म हो जाता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 1 चम्मच घी या तेल किसी भी चीज़ का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। देखा आपने कि 1 चम्मच घी डालने से कितने आसानी से ये कढ़ाई से निकल गया है। और उसके साथ हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे नमक। तो इसको डाल के इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपस में मिक्स हो गई हैं, ये डो भी अब अच्छे से फॉर्म हो गया है। तो अब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आगे की हम लोग इसमें तैयारी करते हैं। तो इसको हम लोग एक बाउल में निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ध्यान रखिएगा इसको हमको बस थोड़ा सा ही ठंडा करना, बहुत ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना है। तो अब इसमें हम लोग जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ पत्ता गोभी, गाजर और प्याज। आप इसमें चाहें तो कैप्सिकम और बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें डाल देते हैं और अब इसके साथ ही कुछ मसाले भी इसमें डाल देते हैं, जैसे कि ये लाल मिर्च पाउडर है थोड़ा सा स्पाइसीनेस के लिए। इसके साथ ही आप लोग हरा मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा और टेस्ट को तीखापन देने के लिए थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और इसमें हम लोग डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला अगर नहीं है तो आप लोग अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से इसको एक डो के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। साथ में मैंने डाला थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये सारी चीज़ें तो डाल दी हैं, नमक,
हम लोग डालेंगे थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हम लोग ने जो डो फॉर्म किया है उसमें भी हम लोग ने नमक डाला है। तो इन सब चीज़ों को डाल के हम लोग अच्छे से मिक्स करके एक डो को फॉर्म कर लेते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो अच्छे से मिक्स हो गई हैं, अब हमको बस एक चीज़ बची है बनाना, वो है इसकी टिक्की बनाना। तो टिक्की हम लोग किसी भी शेप की बना सकते हैं, बट आज मैं स्क्वायर टिक्की बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए एक बर्तन में हम लोग लगाएंगे घी, और घी को अच्छे से लगा के जो ये डो हम लोग ने फॉर्म किया है उसको हम लोग उसमें डाल देते हैं और अच्छे से हम लोग इसको फैला देते हैं। ये अच्छे से फैल चुका, अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम लोग इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसमें स्क्वायर पीसेस इसके काट के तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी स्क्वायर टिक्की बन के तैयार हो जाएगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, हमको इसमें कोई भी गोल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस ये फट से स्क्वायर टिक्की हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब इसको निकाल लेते हैं। तो ये इसको निकालना ही बहुत आसान है, बहुत जल्दी निकल जाती है, बस हल्का सा इसका शेप बिगड़ जाता है। तो हम लोग हाथों की सहायता से इसका शेप को बिल्कुल सही कर लेंगे और इसको हम लोग एक थाली में निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी स्क्वायर टिक्की बन के तैयार हो जाएगी। अब हम लोग इसको सेक लेते हैं। तो सेकने के लिए हम लोग इसको जिस तरीके से टिक्की सेकते हैं उस तरीके से भी सेक सकते हैं। इट मीन्स तवे में हम लोग हल्का सा तेल लगाएंगे और उसके बाद जो ये टिक्की है उसको हम लोग इसके ऊपर रख देते हैं। अगर आप तेल बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरीके से ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास कि हल्का सा टिक्की पे ब्रश करके आप लोग इसको सेक लीजिए। इससे आप लोग को टिक्की का भी स्वाद मिल जाएगा और ज़्यादा तेल भी आपकी बॉडी में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सेक सकते हैं। बस अब एक तरफ से सिक चुकी है, इसको हमको मीडियम से स्लो आंच में सेकना है। बहुत ज़्यादा तेज आंच करेंगे तो ये क्रिस्प भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा लाल हो जाएगी। तो इस तरीके से पलट के हम लोग इसको सेक लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कम तेल की सूजी और बेसन की, इट मीन्स इसमें आलू हम लोग ने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, तो सूजी और बेसन की टिक्की बनके तैयार है। तो इसको अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए एक और तरीका मैं इसको बताती हूँ इसको फ्राई करने का। तो उसमें हम लोग एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना, थोड़ा सा तेल डालना है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम लोग बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसमें हम लोग टिक्की को डाल के इसको हम लोग शैलो फ्राई कर लेंगे। हमको इसको डीप फ्राई नहीं करना, हम इस तरीके से इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। तो ये भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप दोनों तरीकों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। दोनों तरीके से आपकी जो टिक्की है वो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही चटपटी बन के तैयार होगी। तो देखा आपने कितना आसान है ये सूजी और बेसन की टिक्की बनाना। तो ये बन के तैयार है, तो इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इस मसालेदार चटपटी टिक्की को आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, डेफिनेटली ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इसको हम लोग सर्व करेंगे आम पुदीना की चटनी के साथ और टमाटो केचप के साथ। तो इस टिक्की को आप लोग ज़रूर बनाइए और अपने कमेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।